नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आंसर की के बारे में, जो कि सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर नॉन के, उनके यहाँ पर न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस का पेपर हुआ था, डिजिटल एनहेंसमेंट का पेपर हुआ था। काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है डिजिटल एनहेंसमेंट वाले विद्यार्थियों में, उनका पेपर हिंदी में भी आना था लेकिन इंग्लिश में ही पूरा पेपर देखने को मिला, तो इसको लेकर बातचीत चल रही है अभी और शाम तक उसकी भी आंसर की देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखें। और क्या रहेगा, क्यों गलती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, यहाँ पर इसकी आंसर की आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ सेमेस्टर का, ध्यान रखें। बात करते हैं भैया, आपको देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस का पेपर, यहाँ पर 50 नंबर का पेपर था, मैंने पहले बता दिया था 100 क्वेश्चन आएंगे और रेगुलर के यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भैया, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना किसको दर्शाता है, तो यहाँ आपकी शारीरिक फिटनेस जो होती है उसको दर्शाता है, आंसर आएगा सी, है ना। शारीरिक फिटनेस का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, तो आंसर आएगा डी, यहाँ पर चपलता जो एगिलिटी है वो इसका लक्षण नहीं है, ध्यान रखिए घटक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आएगा तीसरे क्वेश्चन में आंसर डी, उपरोक्त सभी आएगा, ध्यान रखिए यौन कमजोरी अनुवांशिकता सभी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है भैया बी। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कारक जरूरी है, पांचवा क्वेश्चन भैया, पांचवे क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर 8 गिलास, छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माण तथा तंतुओं की मरम्मत करता है, सातवें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, प्रोटीन। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, संतरा, जो ऑरेंज होता है वो, ध्यान रखें इसका आंसर रहेगा। एक वयस्क व्यक्ति के लिए औसत नींद की अवधि क्या होती है, तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो भैया सी, इसमें 8 घंटे देखने को मिलेगा आंसर, है ना, मैं तो 4 घंटे सोता हूँ। लेकिन कौन सा व्यायाम हृदय रोग में लाभकारी है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, दौड़ना। और बात करते हैं कार्बोज का शरीर में मुख्य कार्य क्या है, 11वां क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ पर आंसर आएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ऊर्जा प्रदान करना। प्रतिदिन फल में सब्जियों की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है, ध्यान रखें, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, 3 से 4, है ना, ये जो 3 से 4 सर्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कौन सा कारक हृदय रोग के लिए जोखिम है, 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, धूम्रपान, ध्यान रखें धूम्रपान यहाँ पर है ही खराब, चाहे किसी के लिए भी हो भैया वो। तो विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है हड्डियों की मजबूती, डी से मतलब कि ध्यान रखें विटामिन डी से हड्डियों की मजबूती देखने को मिलती है। 14वां क्वेश्चन है भैया, 14वें क्वेश्चन का आंसर है हड्डियों की मजबूती, ये शायद उल्टा क्वेश्चन कैसे हो गया। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ रक्तचाप है, तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर आएगा 120/80 mmHg, है ना, जो ध्यान रखें बीपी जो नापा जाता है वो इस तरीके से आपका आता है ना। निम्न में से कौन से तनाव का लक्षण है, 16वें क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया बी, यहाँ पर हृदय गति तेज होना, हृदय गति तेज है तो मतलब तनाव का लक्षण है भैया। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम को प्रति सप्ताह कितनी देर तक प्रस्तावित किया गया है, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन बन सकता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो होता है कि 150 मिनट के आसपास होना चाहिए सप्ताह की बात हो रही है, तो और 5 दिन की बात करते हैं तो मिनिमम एक ध्यान रखें यहाँ पर कम से कम ऐसा 120 के आसपास तो आना चाहिए था। अब इसका आंसर क्या रहेगा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी ये कहते हैं कि भैया एक दिन का देखें तो 30 मिनट होना चाहिए और यहाँ पर 5 दिन का देखें तो फिर उस हिसाब से 2 दिन का छुट्टी भी रखता है, तो 150 के आसपास जाना चाहिए। इसका आंसर आप देख लेना क्या भी रहेगा, जो आने वाले समय में जो रहेगा बता दूंगा, इसमें भी कोई कन्फर्म आंसर नहीं है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन की बात करें, वयस्क व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में सोडियम लेना प्रस्तावित है, 18वें आंसर का आएगा भैया बी, 1500 mg, है ना। 19वें क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उच्च रेशे युक्त भोजन है, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए, सफेद ब्रेड। निम्न में से कौन सा निर्जलीकरण का लक्षण है, ध्यान रखें तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ये सभी इसके लक्षण है। पास्ता, ब्रेड, अनाज और चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर है ए, कार्बोज पाया जाता है इन सब में ज्यादा, ना खालिस्तान परसेंटेज कार्बोज को, कितने प्रतिशत कार्बोज को व्यक्ति के दैनिक कैलोरी सेवन का हिस्सा होना चाहिए, तो 22वें क्वेश्चन में भैया आंसर आपका आना चाहिए बी, मेरे हिसाब से तो 55 से 65% है ना। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से भोजन में ज्यादातर संतृप्त वसाएं होती हैं, तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, मांस, समुद्री भोजन और दूध। 2 प्रकार के विटामिन कौन से होते हैं, तो वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। और कितने परसेंट प्रोटीन को व्यक्ति की दैनिक कैलोरी का हिस्सा होना चाहिए, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर भैया आपका यहाँ पर देखो होता तो 20% से ऊपर है, तो इसका आंसर उसी हिसाब से करें तो हम 20 से 30% आपका आंसर आना चाहिए, यानी 25वें में 20 बी आंसर आएगा, ठीक है। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फूड पिरामिड को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है, तो आंसर आएगा बी, इसमें 3
में विभाजित किया गया तो 26वें आंसर का आएगा भैया बी आंसर है ना। इन सभी तेरे हुए पोषक तत्वों में दूध में से कौन सा पोषक तत्व बहुत कम होता है, तो 27वें क्वेश्चन का आंसर है सी भैया, विटामिन सी इसमें कम होता है। फल और सब्जियां उत्कृष्ट साधन है, किस चीज का साधन है भैया, तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, विटामिन और खनिज लवण का। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे आहार का अपचनीय भाग है जो कि पाचन तंत्र के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है, तो 29वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, रफेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। यहाँ पर खालिस्तान कैल्शियम फॉस्फोरस के उपयोग में धारण के लिए क्या आवश्यक है, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है विटामिन डी, यहाँ पर आएगा आंसर विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है भैया, छह आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है सी, जिसमें आएगा कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, सी आंसर इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आहार्य निर्देश के तीन मुख्य तीन उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो 32वें क्वेश्चन का आंसर है डी, यहाँ पर तीनों आंसर इसमें आएंगे, ठीक है, ए बी सी और उपरोक्त सभी है, तो भैया उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। 33वें में भैया, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा प्रदान करता है, तो 33वें क्वेश्चन में आंसर आएगा डी, यहाँ पर दाल साबुत अनाज और फल और सब्जियां सभी इसके आंसर रहने वाले हैं। निम्न में से कौन सा भोजन कोई भी पोषक तत्व नहीं देता, तो ध्यान रखें 34वें क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे हिसाब से पानी है ना, और अमरूद, नींबू, संतरा, टमाटर में भरपूर क्या है, तो कौन सा इनमें विटामिन रहता है, तो भैया 35वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, यहाँ पर आएगा विटामिन सी। नीचे दिए गए सभी भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व हैं सिवाय किसके हैं भैया, यहाँ पर तो 36वें में आंसर आएगा ए, प्लाज्मा के सिवाय, यहाँ पर ध्यान रखें बाकी सभी पौष्टिक तत्व हैं। बात करें इनमें से भारत में प्रसंस्कृत भोजन के कारक कौन कौन से कारक हैं, 37वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा। किसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो यहाँ पर टमाटो केचप है, इसका आंसर आएगा सी है ना, 38 का क्वेश्चन आंसर है सी। और 39 की बात करें, इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ उत्पादन के दौरान खमीरीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, तो यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का आंसर ए, ब्रेड। प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफैट बढ़ावा देता है, 40वें क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर दोनों सही हैं, बी और डी, मधुमेह और हृदयघात, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हृदयघात का चांस रहता है, ठीक है, तो डी आंसर है, तो परफेक्ट सही है। और वैसे मधुमेह के भी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, वैसे डी आंसर सही आएगा। सामान्य भोजन की तुलना में प्रसंस्कृत भोजन का लाभ क्या है, तो 41वें का आंसर आएगा सी, ज्यादा पौष्टिक होता है। नमक को निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व से दृढ़ किया जाता है, तो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, आयोडीन है ना। जवान बच्चों में अंधापन किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो 43वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, विटामिन सी, ए इसका ऑप्शन है भैया, और विटामिन सी इसका आंसर है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है, तो 44वें का आंसर आएगा बी, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, जल घुलनशील विटामिन है। 45वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, विटामिन सी में ध्यान रखें है ना, विटामिन सी कौन सा है भैया, जल घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी है उसका आंसर है ना। एक ग्राम कार्बोज कितनी ऊर्जा देता है, 46वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है यहाँ पर ए, 4 किलो कैलोरी देता है भैया। सूर्य की रोशनी का विटामिन किसको कहते हैं, 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, विटामिन डी। आंवला अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है भैया, यहाँ पर विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, आंसर आएगा डी ऑप्शन है, ठीक है। शिशु के लिए सिर्फ माँ का दूध प्रस्तावित किया गया है, तो 49वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर 6 महीने कम से कम होना चाहिए भैया ना, वैसे तो 9 महीने 12 महीने तक रहता है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कम करता है किस बीमारी को, तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी देखेंगे है ना। अल्प पोषण से क्या हो सकता है भैया, 51वें आंसर का आंसर आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर है भैया डी आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ICMR ने कम सेवन करने की सलाह दी है, तो 52वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, मेवा तेलिया बीज को यहाँ पर सेवन कम करने की सलाह दी है। संतुलित आहार से प्राप्त क्या होता है भैया, 53वें क्वेश्चन का आंसर है डी, यहाँ पर सभी ऑप्शन इसके सही है। 54वें क्वेश्चन में है कैल्शियम आवश्यक है, 54वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। 55वें क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर रक्त अल्पता रोग होता है, इस किसकी कमी से होता है भैया, तो 55वें क्वेश्चन का आंसर भैया ए, लोह तत्व की कमी से होता है। दोषपूर्ण आहार सेवन में शामिल है अत्यधिक सेवन, तो 56वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, उच्च वसा, शर्करा और नमक का, हालांकि कुछ बुक्स में यहाँ पर डी को भी आंसर दे रखा था, बी और डी में से एक आंसर इसको देखने को मिलेगा। अगले चलते हैं भैया, अत्यधिक शर्करा खाने से हो सकता है, तो 57वें क्वेश्चन का आंसर है भैया यहाँ पर सी, अधिक वजन और टाइप 2 मधुमेह है, यहाँ आपको दोनों देखने को मिलेंगे। आहारीय निर्देश के अनुसार नमक का सेवन कितनी मात्रा तक करना चाहिए, तो 58वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला ए, 5 ग्राम प्रतिदिन। शिशु पूरक आहार शामिल करना चाहिए, 59वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 6 महीने के बाद, ध्यान रखिए ना। भोजन की लेवलिंग होनी चाहिए, तो 60वें क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर आएगा 60वें क्वेश्चन का आंसर सी, स्पष्ट और जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पैकेज्ड फूड के नुकसान क्या है,
61वें क्वेश्चन का आंसर है भैया सी आंसर आएगा, अत्यधिक प्रोटीन में वसा उसमें देखने को मिलती है। पोषण संबंधित विकारों को क्या कहा जाता है, तो 62वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी कुपोषण कहा जाता है ना। कुपोषण के दोहरे भार का अर्थ क्या है, 63वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी अल्पभार की उपस्थिति लेकिन मोटापे की अनुपस्थिति। मैरास्मस में कवासी ओर करके आंसर है भैया यहाँ पर क्वेश्चन है भैया 64वें क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, इस रोग की वजह से 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। तो इसमें मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, वर्दी विकास भी रुक जाता है, लिप्स का कमजोर होना आता है, इसलिए डी आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। कवासी ओर कोर रोग किसकी कमी से होता है धारने के, तो 65वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रोटीन की कमी से। संतुलित आहार के सेवन के फायदे क्या है, 66वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। पोषण मतलब क्या होता है भैया, 67वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है बी आवश्यक तत्वों से भरपूर जो शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 68वें क्वेश्चन की बात करते हैं ब्रेड अनाज आलू में कौन सा तत्व है, तो 68वें क्वेश्चन का आंसर है बी कार्बोज। शरीर को आसानी व सहजता से हिलाने की क्षमता कहलाती है, तो 69वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए लचीलापन जो फ्लेक्सीबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखें। मांसपेशीय शक्ति को उपयोग में लेते हुए उठाना धकेलना खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा मजबूती कहलाती है स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं। व्यायाम के दौरान ऊर्जा के अधिकतम उपयोग होने के प्रमुख कारक हैं, तो 71वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए तीव्रता है ना, तीव्रता इसका आंसर आएगा। प्रभावी लेबलिंग व्यवस्था क्या है, तो 72वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा भैया। और 73वें क्वेश्चन की बात करें तो FDA का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर आंसर आएगा ए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर रहेगा। ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो 74वां क्वेश्चन है भैया परिरक्षित पदार्थ बचाव करते हैं, 74वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए भोजन के सड़ने से। 75वें क्वेश्चन की बात करते हैं दूध में विटामिन को मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आएगा फोर्टिफिकेशन जिसको ड्रेड करना बोलते हैं, 75वें क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है आगे चलते हैं FSSAI का पूरा नाम क्या है भैया, 76वें क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन है भैया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पैकेजिंग से कौन कार्य संपन्न होता है, तो 77वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी यहाँ पे सुरक्षा परिरक्षण प्रचार तीनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर इसका रहने वाला है। अत्यधिक प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थ से हानि है, 78वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी आदत पड़ जाती है इस कारण से ऐसा होता है ना, 78वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी है ना। हाँ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कैसे कम कर सकते हैं, तो 79वें की बात करें तो आंसर आएगा इसका भी बी, ज्यादा से ज्यादा घर पर भोजन पकाकर उसको खाकर फिर उसके बाद में हमें कम हो सकता है, बाहर के तो दिक्कत ही रहेगी भैया ना। कई सुविधाजनक भोज्य पदार्थ का बहुत कम पोषण मूल्य होता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 80वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा उच्च नमक व वसा वाले सुविधाजनक भोज्य पदार्थों ने, यानी 80 का आंसर है सी। सुविधाजनक भोज्य पदार्थ में अत्यधिक होता है, तो 81वें क्वेश्चन का आंसर है ई कैलोरी ज्यादा होती है भैया। सुविधाजनक भोज्य पदार्थ से हानि, तो 82वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर खराब गुणवत्ता इसमें देखने को मिलती है। कुल भार वजन होता है, 83वें क्वेश्चन का आंसर है भैया यहाँ पर भोजन बिना पैकेजिंग के आपका यहाँ पर भार पूरा देखा जाता है ना। आदर्श भारतीय स्त्री का वजन होना चाहिए, अब ये सवाल कैसा है ये तो काफी कंफ्यूजेबल सवाल है। 84वें क्वेश्चन में अब कितना भी वजन हो सकता है 55-65, लेकिन 55 इसमें मिनिमम होता है, ध्यान रखें कम से कम 55 तो होना ही चाहिए, यहाँ पर ए आंसर आएगा ना। आहार जिसमें संतृप्त वसाएं होती हैं मौजूद होती हैं इनसे हो सकता है, ध्यान रखें तो 85वें क्वेश्चन से आपका देखें भैया सी हृदय रोग है ना, हृदय रोग आएगा आंसर। शरीर को आवश्यकता है विटामिन व खनिज लवण की क्योंकि, तो यहाँ पे 86वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इस कारण से। खालिस्तान ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा किसकी इकाई है भैया, कैलोरी। ऊर्जा की इकाई क्या है भैया यहाँ पर, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है ना। 87वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। दूध चीज और योगर्ट आवश्यक है, तो यहाँ पर 88वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, हड्डियों की मजबूती दांतों के लिए मांसपेशियों के लिए यहाँ पर ये सभी दो चीज और दही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आंसर आएगा डी है ना। 89वां क्वेश्चन है भैया कौन सा पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक है, तो 89वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर प्रोटीन आएगा आंसर। कौन सा पोषक तत्व ताजे फलों में पाए जाने वाले विटामिन कहलाता है, तो 90वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए विटामिन सी है ना, ऑप्शन है ए विटामिन सी। कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर 91वें में आंसर आएगा ए योगर्ट, ध्यान रखें। अब योगर्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, योगर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, और वैसे आएगा इसका दही है ना। बात करते हैं 92वें क्वेश्चन, एरोबिक व्यायाम क्या बढ़ाता है भैया, तो 92वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, हृदय गति बढ़ाता है। अगर व्यायाम करते वक्त दर्द उठता है तो क्या करना चाहिए भैया, व्यायाम बंद कर देना चाहिए भैया, ठीक है, तो 93वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। 94वां क्वेश्चन है व्यायाम करते समय क्या सही है, तो एक कुशल ट्रेनर का होना आवश्यक है भैया, 94वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 95वां क्वेश्चन है हृदय किस शारीरिक अंग के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, तो 95वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी परिसंचरण। निम्न में से कौन से कारक शारीरिक कुशलता को प्रभावित करते हैं, 96वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी चोट खराब नींद शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव है ना।
97 क्वेश्चन की बात करते हैं, शारीरिक रूप से क्रियाशील रहना क्या कहलाता है भैया? तो 97 क्वेश्चन का आंसर रहेगा डे, यहाँ पर डी आएगा, बहुत सारे यंत्र चाहिए शारीरिक रूप से क्रियाशील रहने के लिए। और 96 क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया आपको बी रहेगा, चोट, खराब नींद और शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव, है ना। 98 की बात करें, 98 क्वेश्चन है भैया, खालिस्तान करना कसरत से पहले और बाद में बहुत जरूरी है, तो स्ट्रेचिंग जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में देखो वर्ड समझ में नहीं आएगा, खिंचाव क्या हो गया भाई, खिंचाव बहुत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इसको अंग्रेजी में समझते हैं स्ट्रेचिंग, है ना, तो स्ट्रेचिंग जरूरी है भैया व्यायाम करने से पहले, ध्यान रखें। तो 98 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, है ना। किस पोषक तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है? तो यहाँ पर आएगा 99 क्वेश्चन का आंसर डी, और खालिस्तान ऊर्जा की इकाई है, तो यह बताती है कि भोजन में ऊर्जा की कितनी मात्रा है, तो 100वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर कैलोरी। तो ध्यान रहे न्यूट्रिशन वाले पेपर का यहाँ पर आंसर की आपको बता दिया है, और लगभग सभी पास भी होंगे इसमें, ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड पेपर आया था, नॉर्मली पेपर आया था, जो कि आपको डेली यूजेज में आधे से ज्यादा सवाल तो डेली यूजेज वाले देखे गए हैं, जो कि आपको पता भी है, आधे से ज्यादा सवाल बिना पढ़े भी जाते तो कर देते। तो ध्यान रहे आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है पास हो गए होंगे। 40% नंबर आपको चाहिए भैया, 100 क्वेश्चन है, 50 नंबर का पेपर है, तो 50 का 40% हो गया, 20 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो देख लेना भैया कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का इसमें मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है 50 नंबर के, तो एक क्वेश्चन हो गया ना आधे नंबर का। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम पर बात करेंगे। और डिजिटल एनहेंसमेंट वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देखे हैं तो भैया ध्यान रखना, उसका गैस पेपर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, पहले उसके पेपर से रिलेटेड चीजें। इंग्लिश मीडियम में यार मेरा भी मीडियम इंग्लिश नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा उसको तैयार करने में, ना। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।